सिंगरौली में सपाक्स ने जातिगत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि आरक्षण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए। सपाक्स पार्टी ने जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण का विरोध करते हुए कलेक्टर के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सपाक्स के नेताओं का कहना है कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपाक्स पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में नौकरी के प्रमोशन में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, उसी तरह पूरे देश में नौकरी के प्रमोशन व जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपाक्स के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि सरकार जातिगत आरक्षण को समाप्त नहीं करती तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जातिगत आरक्षण जो लागू है इसके विरोध में हमारी सपाक्स पार्टी विगत कई वर्षों से इसका विरोध कर रही है और इसके खिलाफ हम लोग 8 अगस्त को धरना प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि 8 तारीख को रविवार था इसलिए हम लोग आज 9 तारीख को ज्ञापन देने आए हुए हैं। 8 अगस्त 1990 को मंडल आयोग बीपी सिंह ने लागू किया था। हमारी मांग है कि भारत में जो जातिगत आरक्षण है उसे खत्म करके और आरक्षण आर्थिक आधार पर सिर्फ गरीबों को दिया जाए, किसी जात विशेष वर्ग को न दिया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज।